रात में सोते समय सपना आना तो लाजमी है, लेकिन उन सपनों में कुछ अच्छे सपने होते हैं तो कुछ बुरे। अच्छे सपनों के कारण हम दिन भर खुश रहते हैं, तो वहीं बुरे सपनों का असर आपके दिमाग और स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। कई बार आपकी नींद अचानक रात में किसी बुरे सपने को देखने के बाद खराब हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि नींद लेना हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सोते समय हम एकदम तरोताज़ा होते हैं। नींद पूरी होने के बाद हमारा अगला दिन जो होता है वो ऊर्जावान होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सोते समय हमारा दिमाग सक्रिय रहता है? माना जाता है कि सोते समय इंसान दिन में बीती बातों को अलग अलग संचित करता है। ऐसे में अगर आपको रात में डरावने सपने आते हैं तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जिसका आपके ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इन बुरे सपनों से कैसे बचा जाए, ज्योतिष में इसके लिए क्या उपाय बताए गए हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का द डिवाइन सोल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। दोस्तों, आखिर बुरे सपने से बचा कैसे जाए, इस चीज़ से पहले ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बुरे सपने आते ही क्यों हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बुरे सपने आने की कई सारी वजहें हो सकती हैं। हो सकता है ये कोई पुरानी बीमारी हो, यह कई बार नशीले पदार्थ की वजह से भी हो सकती है, या दवाइयाँ की वजह से भी हो सकती हैं, या फिर आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो जिसे आप लगातार सोचते रहते हो, जिसकी वजह से भी आपको बुरे सपने दिखते हैं। वहीं अगर आप बुरे सपनों के लगातार आने की वजह से परेशान हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिससे आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है और आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएंगे। ज्योतिष में इन चीज़ों को बहुत ही कारगर माना गया है। तो दोस्तों, इन उपायों को आप जरूर आजमाएं और बताएं कि आपको ये उपाय कितनी मददगार साबित हुए। आज के इस मॉडर्न युग में महिलाएं अपने बालों को खुले रखना पसंद करती हैं। वैसे खुले बाल देखने में तो सच में बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन दोस्तों, महिलाओं को खासकर रात को बाल बांध कर सोना चाहिए और कमरे में बिल्कुल अंधेरा ना करें, हल्की सी रोशनी जरूर करें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। अगर आपका बच्चा डरावने सपने देखता है तो उसके तकिए के नीचे कोई भी लोहे की कोई भी वस्तु आप रख सकते हैं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ें या फिर सुने जरूर। हमेशा अपने बिस्तर को सही ढंग से साफ करने के बाद ही सोने। सोने से पहले अपने हाथ पैर और मुंह को अच्छी तरह से आप साफ करें। कहते हैं सोने से पहले यदि आप अपने हाथ पैरों को धोते हैं तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उससे आपको तत्काल ही आराम मिल जाता है। यदि आपको भूत प्रेत के सपने देखते हों तो रात को कमरे में तिल के तेल का दीपक जलाकर सोएं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होंगी, और ये जानकारी यदि आप सभी को पसंद आई होंगी तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके इस एक शेयर से किसी दूसरे का भी भला हो जाए। तो ऐसी और भी बहुत सारी अद्भुत जानकारी के लिए लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।